हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि कतर में आप लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई लोग के सप्लाई कंपनी में हैं, बहुत सारे कंपनी में हैं जो फंसे हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे कंपनी में हैं लोग जो टाइम से सैलरी नहीं मिलता है, चाहे सैलरी कम है, तो लोग सोचते हैं कि हम कंपनी कैसे चेंज करें और चेंज कर लें। बहुत सारे भाई लोग के मन में डाउट रहता है कंपनी हम चेंज कर लें, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कंपनी कैसे चेंज करें कतर में। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को नहीं देखेंगे तो आधा अधूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप कतर में रहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है कंपनी चेंज करने का, और ये जो दो ऑप्शन है यही बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरीक़ा से दोस्तों आप लोग कंपनी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये है दोस्तों कि अपने कंपनी को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने कंपनी को रिजाइनेशन लेटर या कैंसिल पेपर दे रहे हैं और वो आपको NOC पेपर दे रही है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, तो समझ लीजिए वेरी गुड, आप एकदम बिंदास कंपनी चेंज कर सकते हैं। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा आपको, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास नो ऑब्जेक्शन लेटर रहेगा। तो आप लोग पूरे कतर में जिस कंपनी में मर्जी उस कंपनी में आप लोग इंटरव्यू देके आप लोग बिंदास चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको NOC पेपर दे दी है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, एकदम बिंदास आप लोग चेंज कर सकते हैं। 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा भाई लोग, आप लोग इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन होंगे और उस कंपनी में डायरेक्ट आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों आप लोगों को बता दें, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो लोग को डर रहता है और वो लोग का कंपनी जो है NOC पेपर नहीं देती है, इस दौरान में वो लोग परेशान हो जाते हैं और चेंज नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों ये है कि जो रिजिग्नेशन लेटर, जो कैंसिल पेपर आप अपने कंपनी में दिए हैं, आज जो दूसरे कंपनी में आप लोग इंटरव्यू दिए हैं वहाँ से जो ऑफ़र लेटर आपको मिला है, ये दोनों पेपर, ऑफ़र लेटर उस कंपनी का पेपर और अपने कंपनी का रिजाइन लेटर और आपका और कतर की ID और आपका पासपोर्ट का जीरोक्स, यानी चारों डॉक्यूमेंट, यानी उस कंपनी का ऑफ़र लेटर और अपने कंपनी में रिजिग्नेशन लेटर जो दिए हैं और कतर की ID और पासपोर्ट का जीरोक्स, ये चार डॉक्यूमेंट लेकर आप लोगों को अदलासा में जाना है। अब अदलासा में जाने के बाद इसको वहां से आप लोग अपना अप्लाई करेंगे। जब दोस्तों आप अदलासा के अंदर इसको सबमिट करेंगे तो वहां से 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आएगा कि आपका कंप्लेन जो है वो सबमिट हो गया है। फिर दोस्तों कुछ दिन के बाद फिर एक मैसेज आता है जिसमें लेबर मिनिस्ट्री जो आपको कंफर्म करती है कि आपका जो कंप्लेन है वो रिव्यू किया जा रहा है। इसमें लगभग तकरीबन दोस्तों 15 से 20 दिन लग जाता है, और जो अदलासा में जो लेबर मिनिस्ट्री में जो कमेटी होती है वो इस चीज़ को पूरा आपके डॉक्यूमेंट को सारा चीज़ चेक करती है। चेक क्या करती है दोस्तों कि ये जो बंदा कंपनी चेंज कर रहा है ये कैसा है, और ये जिस कंपनी में जा रहा है वो कंपनी कैसी है, जिस कंपनी से ये रिजाइन दिया है ये कंपनी कैसी है, सारा कुछ वो लोग चेक करेगा लोग। तो जब ये सारा कुछ वो लोग चेक कर लेता है तो आप लोगों के पास दोस्तों फिर उसके बाद से वो आप लोगों के पास जब सारा कुछ दोस्तों चेक कर लेती है
तो उसके बाद से वो लोग देखता है लोग कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दोस्तों जब एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों के पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। दोस्तों इन सारे प्रोसेस में जो आप जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दिए हैं उस कंपनी के जो स्पॉन्सर हैं जो ओनर हैं उनसे आप लोगों को कांटेक्ट में रहना चाहिए, बात हमेशा करता रहना चाहिए। दोस्तों जो भी मैसेज आते रहें आपके पास वो सारा उसको इन्फॉर्म करते रहें। तो ये इसी रूल के हिसाब से दोस्तों कंपनी आप कतर में चेंज कर सकते हैं। अब बता दें आपको दोस्तों कि चेंज कितना दिन में करना चाहिए। दोस्तों 6 महीना या साल भर या 2 साल में कितना दिन में कंपनी चेंज करना सही है। दोस्तों आपको बता दें कतर के अंदर लगभग में 1 साल के बाद ही आप कंपनी चेंज करें तो सबसे बेहतर होगा। और ऑनलाइन प्रोसेस से दोस्तों आप लोग कंपनी चेंज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग 1 साल या 1.5 साल या 2 साल मतलब करके ही दूसरी कंपनी में आप लोग चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग 1 साल के बाद चेंज करेंगे तो सही रहेगा। एक साल से कम में चेंज करेंगे तो मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जानकारी अच्छी लगी होगी और थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।